ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम से किसी भी रील को कैसे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ, तो तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी रील डाउनलोड करना है उसको आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्टाग्राम की तरफ से बहुत से लोगों को यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस अकाउंट पर अभी मुझे नहीं मिला है। तो अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिला है। तो आपको क्या करना होगा, आपको भी अगर नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पर दूसरा तरीका यूज़ करना होगा। तो दूसरा तरीका यही है कि आप इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करके। लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है सेव्ड मैसेज मिलेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर थ्री लाइन्स पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर सेव्ड मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो लिंक आपने कॉपी किया है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो इंस्टाग्राम लिखा है उसके पीछे आपको यहाँ पर आना है, मतलब आए जो लिखा है उसके पीछे आना है और यहाँ पर आपको दो बार डी दबाने देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो बार आपको डी टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड कर देना। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपल से आप इसके ऊपर क्लिक कर देना और आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर जैसे ये डाउनलोड हो जाता है आपको इसको गैलरी में सेव कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो उसके अलावा यहाँ पर थ्री लाइन्स पर क्लिक कर देना और आपको सेव टू गैलरी या फिर सेव टू डाउनलोड पर कर देना क्लिक। तो उसके बाद आपको यह डाउनलोड गैलरी में शो करेगा। तो इस तरीके से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। तो दूसरा तरीके के लिए आपको यहाँ पर फिर से जाना है रील्स पर और जो भी रील डाउनलोड करना चाहते हो उसके शेयर बटन पर क्लिक करके सेम उसी तरीके से लिंक को कॉपी कर देना और आपको यहाँ पर जाना है क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है लिखना है रील्स डाउनलोड या फिर रील डाउनलोड, जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट तो आती है, लेकिन इसमें से ये जो साइट है वो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, आपको कोई भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो लिंक आपने कॉपी किया है उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक ये लोडिंग हो जाता है। तो जैसे ये लोडिंग हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर आपका वीडियो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड वीडियो पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एडवर्टाइज आ जाएगी, तो आप यहाँ पर क्रॉस ऑप्शन पर क्लिक करके कट कर लेना और आपका जो वीडियो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड भी हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी रील को डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।